नागरिकता कानून के खिलाफ 19 दिसंबर को यूपी की राजधानी लखनऊ में दंगाइयों ने जो तांडव मचाया, आगजनी की, पुलिस पर पथराव किया, अब उनकी खैर नहीं और ना उनके आका अब ज्यादा देर तक बिल में छिपकर रह पाएंगे। लखनऊ हिंसा को लेकर परत दर परत रोज नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो 19 दिसंबर को लखनऊ में उपद्रवियों ने जो हिंसा का नंगा नाच किया, उसके तार अब कश्मीर से जुड़ने लगे हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ में हिंसा फैलाने के लिए कश्मीर से पत्थरबाजों को बुलाया गया था और लखनऊ के अलग अलग हॉस्टलों में इन लोगों को ठहराया गया था। बताया जा रहा है कि हिंसा फैलाने से पहले यूपी के कई जिलों में रेकी की गई थी और लखनऊ के सबसे वीवीआईपी और पॉश इलाके हजरतगंज में इन दंगाइयों की हिंसा फैलाने की साजिश थी। ये खुलासा लखनऊ हिंसा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के तीनों मास्टरमाइंड वसीम, नदीम और अशफाक से आईबी की पूछताछ में हुआ है। पुलिस सभी एंगल से इन तीनों से पूछताछ कर रही है जिससे दंगे का हर सच सामने आ सके। इन तीनों से पूछताछ में पुलिस को पीएफआई के दूसरे सदस्यों का पता चला है जिन्हें पकड़ने के लिए लखनऊ पुलिस कई जगह दबिश दे रही है, लेकिन अब तक कोई भी पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। पुलिस की सख्ती के बाद पीएफआई से जुड़े कई लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। आशंका है कि ये सभी दिल्ली और पश्चिम बंगाल भाग गए हैं। आपको बता दें, लखनऊ में हिंसक प्रदर्शन के मास्टरमाइंड नदीम और उसके सहयोगी अशफाक को गिरफ्तार किया गया था, जबकि एक और साथी वसीम को पहले ही लखनऊ पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। नदीम और अशफाक ने पूरी प्लानिंग करके साजिश रची थी और दोनों ने व्हाट्सएप के जरिए एनआरसी और सीएए के खिलाफ में लोगों को बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर उग्र प्रदर्शन करने की बात वायरल की थी। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के रहने वाले लड़कों के इस हिंसा में शामिल होने के बाद से पुलिस अब कॉल डिटेल और सीडीआर की मदद से उनके कई दूसरे साथियों का पता लगा रही है। इसके साथ ही शक के आधार पर पुलिस पत्थरबाजी के कश्मीरी एंगल को भी खंगाल रही है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यूपी में हुई हिंसा के बाद प्रशासन अब पूरे एक्शन में है। लखनऊ में जो हिंसा फैलाई गई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, उसको लेकर अब आरोपियों से वसूली की तैयारी शुरू हो गई है। लखनऊ, रामपुर, गोरखपुर और मेरठ समेत कई जिलों में प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में शामिल पाए गए 300 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। आपको बता दें, दंगाइयों ने लखनऊ के खदरा, हुसैनाबाद और परिवर्तन चौक पर तोड़फोड़, पथराव और आगजनी की थी। थाना हसनगंज इलाके में हिंसा के आरोप में खदरा इलाके से पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था और अब प्रशासन की तरफ से उन लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी कर चुकी है, जिसमें कलीम का नाम भी शामिल है। लेकिन कलीम के परिजनों की माने तो वो लखनऊ में रहता ही नहीं, कलीम सिर्फ अपनी बीमार दादी को देखने के लिए हसनगंज आया था। 19 तारीख को जो हिंसा हुई थी, हिंसा के बाद कई सारे आरोपी और कई सारे दंगाइयों को पकड़ा गया है। कलीम का भी नाम उनमें से एक है और साथ ही कलीम को भी अब प्रशासन के तरफ से, शासन के तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है और हमारे साथ कलीम के कुछ परिजन हैं बात करने के लिए। कलीम फिलहाल अभी पुलिस के गिरफ्त में है और साथ ही इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। भैया उस दिन हुआ यहाँ ये था कि जो है कलीम हमारी अम्मी को देखने आया था, वो उसकी दादी है, उसकी तबीयत बहुत खराब थी और वो यहाँ जैसे ही आया वैसे ही बाहर से पुलिस आई और उसको पकड़ के ले गई। वो यहाँ रहता भी नहीं है। बिल्कुल, आपको दिखाना चाहेंगे, नोटिस में इसी घर का एड्रेस दिया गया है और साथ ही जो नोटिस कहा जा रहा है कि कलीम के नाम पे है। हम दिखाना चाहेंगे, ये वही गली है जहाँ पर हम उस दिन 19 तारीख को मौजूद थे और इसी गली में जो दंगाई थे, जो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, इसी गली से बाहर निकल करके वो पथ चला रहे थे, बोतलें चला रहे थे और साथ ही जो सरकारी संपत्ति थी, जो बैरिकेडिंग थी और जो बैरियर्स थे उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया, पुलिस वालों पर पत्थर चलाए गए, मीडियाकर्मी पर पत्थर चलाए गए। वहीं पुलिस हिंसा फैलाने के आरोप में एक और आरोपी इम्तियाज को नोटिस भेजने की तैयारी कर चुकी है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि इम्तियाज निर्दोष है, वो अपनी बहन को ढूंढने गया था और तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा। इम्तियाज के ऊपर आरोप है कि कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने में उनका भी हाथ। इम्तियाज गए थे अपनी बहन को निकलने ढूंढने के लिए, तो ये यहाँ गए थे दूसरे के घर में, मतलब जा रहे थे, ये पुलिस ने इनको दौड़ाई, ये दूसरे के घर में छुप गए, वहाँ से इनको पुलिस खींच ले गए, खींच के जो है अपने मारते हुए ले गए। नोटिस हमारे यहाँ नहीं आई है क्योंकि हमारा भाई निर्दोष है, उसको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है।
अलीगढ़ में धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 1200 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन छात्रों के खिलाफ कैंडल मार्च निकालने के लिए यूपी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ये छात्र नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 23 दिसंबर को मार्च कर रहे थे। उधर हिंसा के दौरान हुई मौतों को लेकर यूपी पुलिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया है। NHRC के 4 हफ्तों के अंदर DGP OP सिंह से जवाब मांगा है। आपको बता दें, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में उत्तर प्रदेश में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee मीडिया।